पौष्टिक भोजन मनुष्य की शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और स्वास्थ्य चिंताओं का समाधान करता है। लेंटिनुला एडोड्स, जिसे शिताके खुम्भ के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी ही एक पौष्टिक आहार है जो स्वास्थ्य भोजन के रूप में मानव आहार में शामिल होता है। शिताके खुम्भ विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय खाने योग्य खुम्भ प्रजाति है, जो कि अपने पोषक तत्वों, स्वाद और औषधीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है। शिताके खुम्भ में विटामिन, खनिज, आहारीय रेशा और अमाइनो आम्ल की प्राकृतिक रूप से अधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें विटामिन डी, बी और विटामिन के, आयरन और जिंक की उच्च मात्रा के साथ कॉपर, सेलेनियम व पैंटोथेनिक आम्ल शामिल है। शिताके खुम्भ में जैव सक्रिय यौगिक लेंटिनन शामिल होता है, जो कि कैंसर रोधी होता है, और इसमें ट्यूमर रोधी विशेषताएं पाई जाती है, जो कि फार्माकोलॉजी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। इससे बाजारों में शिताके खुम्भ की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक किसान और उद्यमी व्यावसायिक स्तर पर शिताके खुम्भ की खेती से जुड़ रहे हैं। पारंपरिक रूप से शिताके खुम्भ की खेती सदियों से चीन में सदाबहार जंगलों में गिरे हुए लकड़ी के गठरों पर की जाती थी। तदुपरांत चीनी उत्पादकों द्वारा जापानी किसानों को शिताके खेती का तकनीकों का प्रसार किया गया, जो अन्य देशों में इसके विस्तार के लिए उत्तरदायी थे। हालिया समय में शिताके खुम्भ की खेती प्राकृतिक लॉग या सिंथेटिक लॉग पर की जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद खुम्भ अनुसंधान निदेशालय सोलन ने एक पर्यावरण अनुकूल और लघु अवधि के सिंथेटिक लॉग उत्पादन तकनीक विकसित की है, जो अधिक कुशल और लाभदायक है। The ICR Directorate of Mushroom Research, Solan has developed an eco-friendly and short-duration synthetic log production technology, which is more efficient and profitable. This method offers competitive edge for commercial production of shiitake in terms of higher yield within short period of time and consistent market supply with a precise control over the cropping stool. In this regard, our directorate has released two varieties, one shiitake 388 and another shiitake 388S. Both the varieties has been released by this directorate centrally and both gave yield within 45 days of its spawning time. व्यावसायिक स्तर पर शिताके खुम्भ की खेती करने के लिए चार प्रमुख सुविधाओं की जरूरत होती है। तापमान और अपेक्षित नमी को नियंत्रित करने की सुविधा के साथ कमरे, पोषाधार की विसंक्रमण हेतु ऑटोक्लेव, लैमिनार एयरफ्लो चेंबर सुविधा के साथ स्पॉनिंग के लिए इनक्यूबेशन रूम, बर्फ वाले ठंडे पानी से बल्क उपचार के लिए सुविधाएं। इन सुविधाओं के साथ व्यावसायिक उत्पादन हेतु एक मध्यम स्तरीय शिताके उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए उत्पादन इकाई की डिजाइन, निर्माण एवं स्केल पर निर्भर करते हुए 20 से 50 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। कृत्रिम लॉग अथवा गटरों पर शिताके खुम्भ की खेती में मुख्यतः पांच चरण शामिल होते हैं, जो इस प्रकार है: पोषाधार तैयार करना, स्पॉनिंग, इनक्यूबेशन, ठंडे पानी से उपचार एवं मार्केटिंग अथवा प्रसंस्करण के लिए परिपक्व फलकाय की तुड़ाई। शिताके खुम्भ को उगाने के लिए पोषाधार तैयार करने के लिए तुनी, आम, सफेदा, ओक, मैपल तथा पॉपुलर जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों के बुरादे को इस्तेमाल किया जाता है। पोषाधार तैयार करने में निम्नलिखित सामग्री की जरूरत होती है: 80% बुरादा, 19% गेहूं अथवा चावल की भूसे और 1% कैल्शियम कार्बोनेट। इन संघटकों को अच्छी तरह से मिलाया जाता है और 60 से 65% नमी की मात्रा रखी जाती है।
इस पोषाधार की 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा को डबल पॉलीप्रोपिलीन थैलों में भरकर 121 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2 घंटे के लिए विसंक्रमण हेतु रखा जाता है। विसंक्रमण के उपरांत इन्हें अटोकले से हटा लिया जाता है और कक्ष तापमान में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद भी संक्रमित थैलों से कीटाणुनाशक परिस्थितियों में शुष्क भार आधार पर 3% स्पॉन के साथ बिजाई की जाती है। बाह्य वातावरण में स्पॉनिंग करने पर संदूषण की संभावना को बल मिलता है। स्पॉन के इन थैलों को बंद किया जाता है और अच्छी तरह से हिलाया जाता है ताकि थैलों में स्पॉन अच्छी तरह से मिल जाए। स्पॉन तैयार करने के दौरान संदूषण से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। थैलों में स्पॉन को मिलाने के बाद थैलों को फसल चक्र कमरों में 22 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इनक्यूबेट किया जाता है। माइसीलियम अंधेरे में भी बढ़ सकता है, फिर भी स्पॉन वृद्धि के पहले 3 सप्ताह में 1 दिन में 4 घंटों की प्रकाश की जरूरत माइसीलियम ब्लॉक के भूरेपन के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस इनक्यूबेशन अवधि के दौरान कृत्रिम लॉग को 1 दिन में 4 घंटे तक प्रकाश में रखना चाहिए। ये परिस्थितियां तेजी से स्पॉन वृद्धि के लिए अनुकूल होती है। स्ट्रेन एवं किस्म पर निर्भर करते हुए स्पॉन रनिंग में 3 से 5 सप्ताह का समय लगता है। बाद में यह माइसीलियम आवरण गठन माइसीलियम बंप गठन और आवरण कठोरे बनाने की अवस्था में प्रवेश करेगा। स्पॉनिंग के 6 से 8 सप्ताह बाद पोषाधार की सतह पर एक मोटा माइसीलियम आवरण विकसित होता है। एक बार जब माइसीलियम द्वारा पूरी तरह से पोषाधार की बसावट कर ली जाती है, तब पोषाधार की सतह कुछ रिसाव के साथ भूरेपन में परिवर्तित होना शुरू कर देती है। माइसीलियम के क्लम्प्स माइसीलियम आवरण गठन के 10 से 11 दिन बाद माइसीलियम आवरण की सतह पर बनते हैं। एक क्लम्प बाद में जाकर कुंभ फलकाय में परिवर्तित होंगे। कृत्रिम लॉग के 1/3 भूरे रंग में परिवर्तित होने पर पोषाधार सतह को कठोर होने देने के लिए पॉलीप्रोपिलीन थैलों को खोल दिया जाता है। शिताके खुम्ब फलकाय की उपज हेतु कम तापमान जैसे पर्यावरणीय कारकों में अचानक परिवर्तन की जरूरत होती है। यह परिवर्तन 15 से 20 मिनटों के लिए बर्फ वाली शीत जल यानी 4 से 6 डिग्री सेल्सियस में कृत्रिम ब्लॉक को भिगोकर हासिल किया जाता है। शीत जल उपचार के बाद लॉग्स को ग्रोइंग कमरे में स्थानांतरित किया जाता है। ग्रोइंग कमरों में पलकाय की परिपक्वता तक लगभग 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान 85% से अधिक अपेक्षित आर्द्रता बनाए रखने की जरूरत होती है। खुम्ब की बेहतर निधानी आयु तथा जीवन काल को बढ़ाने के लिए शिताके को तोड़ने से पहले 12 घंटों के लिए आर्द्रता स्तर को 60% तक कम किया जाना चाहिए।
शीत जल उपचार के बाद कृत्रिम लॉग्स में फलन प्रारंभ होता है। फलन की अवधि खेती के लिए चुनी गई किस्म और स्ट्रेन पर काफी हद तक निर्भर करती है। शीत जल उपचार के बाद ओई 388 किस्म में फलन के लिए मात्र 7 से 9 दिन लगते हैं। फलकाई डंटल को हल्के से हाथ से घुमाकर खुम्ब को तोड़ा जाता है और तब नुकीले चाकू की मदद से डंटल को काट दिया जाता है। शीत उपचार के 15 से 20 दिन तक पहली फसल आ जाती है। 2 से 3 तुड़ाई या जब तक पोषाधार में पोषक तत्व समाप्त नहीं हो जाते तब तक शीत जल उपचार को दोहराया जाता है। ताजा तोड़े गए शिटाके खुम्ब के फलकाय को 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखने से इनकी निधामी आयु 14 दिनों तक बढ़ जाती है। शिटाके खुम्ब को सुखाकर 1 वर्ष तक भंडारित किया जा सकता है। सुखाते समय खुम्ब गिल्स को ऊपर की ओर रखकर व्यवस्थित किया जाता है। अल्प अवधि के लिए 30 से 50 डिग्री सेल्सियस का वायु तापमान रखकर कम सिकुड़न और एक समान शुष्क फलकाय प्राप्त होते हैं। शुष्क शिटाके खुम्ब का भंडारण करने के लिए 13 से 15% की नमी अनुकूल होती है। कृत्रिम लॉग विधि में अनुकूल वातावरण होने के कारण खुम्ब की अधिक उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। ये लाभ अपेक्षाकृत उच्च प्रारंभिक निवेश की सीमाओं से कहीं अधिक है। कृत्रिम लॉग्स पर कुल उत्पादन चक्र 3 से 4 महीने का होता है और खेती की इस विधि को अपनाकर 75 से 125% जैविक प्रभावशीलता हासिल की जा सकती है। ये अनुमान है कि 4 ग्रोइंग कमरों के साथ मूलभूत उपकरणों की खरीद के लिए रुपये 30 लाख के प्रारंभिक निवेश के साथ कोई उत्पादक प्रतिवर्ष 16 से 18 टन ताजा शिटाके उपज हासिल कर सकता है। खुम्ब की गुणवत्ता उपभोक्ता की मांग और पूर्ति जैसे कारकों पर निर्भर करते हुए ताजा शिटाके खुम्ब का बाजार मूल्य 500 से 2000 रुपए के बीच में हो सकता है। अतः शिटाके खुम्ब ऐसे नए खुम्ब उद्यमियों जो कि इस तकनीक को अपनाने के इच्छुक है उनके लिए बढ़िया उद्यमशीलता अवसर प्रदान करता है।